ચાલે કોઈ વાત નહીં, ફિર પેપર સ્ટાઈલ હૈ વો તો નોટબુક મેં ચેક કરને કે લિયે દેની પડેગી. ઓકે તો હમને પાઠ હજી ગયા તો મેં પેપર સ્ટાઈલ લખાવી. નહીં મેં જબ બાદ મેં લિખવાઉંગી ના 40 માર્ક્સ કી, તો પેપર સ્ટાઈલ કે અનુસાર તો આપકો નોટબુક્સ મેં લિખના હોગા. હાં તો ઉસકી નોટબુક બનાની હૈ. ઠીક હૈ અભી લિખના હૈ તો પાઠ પંદરવા. હા બેટા, पाठ पंद्रवा खरगोश और हाथी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार चतुराई से खरगोश जो है वह हाथियों के झुंड को अपने जंगल से दूसरे जंगल भेजता है, बराबर. फिर हमने स्वाध्याय में विकल्प लिखे थे. पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमने 11 विकल्प लिखे थे. दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमने 7 खाली जगह लिखी थी. उसके बाद हमने विरोधी शब्द किए थे और उसके बाद मैंने आपको समानार्थी शब्द लिखवाए थे. एक बार समानार्थी शब्द जो है वह फिर से मैं यहाँ करवा रही हूँ, देख लेना कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं, बराबर. बंधु जो है उसके सामने आएगा भाई, बराबर. एक नंबर, यहाँ पर मैंने आपको नंबर भी दिए थे. और क्षमा जो है वह यानी कि माफी, तो यहाँ पर आएगा नंबर 2. ये मैंने आपको करवाया था ना. झुंड जो है यानी दल, दल झुंड जो है यानी कि दल, जिसमें हमने 3 नंबर लिखे थे. तीसरा सरोवर यानी कि झील यानी हमने 4 नंबर लिखा था. सुराग यानी कि छेद, यहाँ पर 5 नंबर लिखा था, बराबर. लौटना मतलब कि लुढ़कना, और हमने 6 नंबर लिखा था. यहाँ हमने 7 नंबर लिखा था, इसमें 93 नंबर अभी ऑनलाइन हुआ. ओके 83 नंबर, बराबर. तो इस प्रकार हमने समान 93 नंबर. ओके 93 बेटा. तो इस प्रकार आखिरी प्रश्न हमने समानार्थी शब्द का किया था, बराबर ने. सभी लोगों ने लिखा हुआ है ना यह प्रश्न. ओके और उसके बाद प्रश्न 5वां लिखिए. प्रश्न 5, प्रश्न 5 थोड़ा बाकी है, मिस किसी कीजिए ना बाकी. स्पीकर बेटा बंद कर दो तो आवाज सही आएगी. स्पीकर बंद कर दीजिए. બંધારે તો કોઈ દિયાલ પીને અહીંયા તો કોઈ દિયાલ પીને નથી. અહીંયા તો કોઈ દિવસ આવતી નથી. અહીંયા તો બેઠવા નથી આવતી ને કોઈ દી. ચલો લિખ લિયા બેટા. હા મિસ, આવલે મિસ તમને અંડરલાઈન કરાવી કા ગઈ મિસ. હા ફિર સે કરાવ. હા મિસ. ओके जो पहला है ना बंधु, तो यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ, देखो लाइन नहीं करती हूँ. यहाँ पर देखो एक नंबर, बराबर. आपको यहाँ पर जो बंधु के सामने जगह दी गई है ना, यहाँ आपको लिखना है भाई,
बराबर, नंबर नहीं लिखने हैं, शब्द लिखने हैं, बराबर। फिर क्षमा, तो यहां पर दूसरा शब्द है क्षमा यानी कि माफी। यहां पर देखो मैं नंबर लिख रही हूं, लिखने का है लिख। हाँ बोलो बेटा, लिख ये लिखने का है। हाँ बेटा, यह शब्द लिखना है। देखो मैंने जोड़े है जो मिलाकर उसके सामने नंबर लिख दिया है, बंधु उसके सामने पांचवा है भाई, क्षमा उसके सामने लिखना है माफी, झुंड उसके सामने लिखना है दल, सरोवर उसके सामने लिखना है झील, सुराख उसके सामने लिखना है छेद, लोटना उसके सामने है लुढ़कना, समीप उसके सामने लिखना है नजदीक। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ मिस, लिख लिया। लिख लिया हमें तो उसके बाद प्रश्न पांच करके लिखिए, मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? पहला मुहावरा लिखिए, फूला न समाना। फूला न समाना। फूला न समाना, उसका अर्थ लिखिए, अत्यंत अत्यंत खुश होना, खुश होना। अत्यंत खुश होना। वाक्य लिखिए, प्रथम नंबर आने पर मैं फूला नहीं समाया। तमें आप जो है वह समाया लिखना, क्योंकि लड़के हो, ठीक है। फूला नहीं समाया, लिख लिया वाक्य सभी ने? दो मिनट।
लिख लिया सभी ने? दूसरा वाक्य लिखिए। ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना, उसका अर्थ है, उसका अर्थ है उन्नति करना, उन्नति करना। बराबर लिख लिया सभी ने? हाँ मिस, लिख लिया। ओके, उसका वाक्य लिखिए। जीवन में, जीवन में हमें हमेशा हमेशा ऊंचे चढ़ना चाहिए, ऊंचे चढ़ना चाहिए। उसके बाद का मुहावरा अभिवादन करना, अभिवादन करना, उसका अर्थ है प्रशंसा, प्रशंसा करना, बखान करना। बराबर वाक्य लिखिए। परीक्षा में, परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छे अंक आने पर, आने पर पिताजी ने, पिताजी ने मेरा, मेरा अभिवादन किया, अभिवादन 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 किया। बॉयज मिस, सभी मुहावरे लिख लिए? हाँ सभी लोगों ने, किसी को बाकी नहीं है ना?
नहीं मिस। ओके, उसके बाद लिखिए प्रश्न छः। प्रश्न छः, हिंदी वाक्य का, हिंदी वाक्य का गुजराती में, गुजराती में अनुवाद, अनुवाद यानी क्या? गुजराती पर आगे मैंने दी को अनुवाद कीजिए, अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। दरिया ना किनारे सरोवर गीली जमीन थी। गीली जमीन थी सरोवर में, गीली मतलब क्या? भीनी, भीनी। भीनी का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। तो लिखो, सरोवर ना किनारे, सरोवर ना किनारे भीनी, भीनी जमीन हती, भीनी जमीन हती। बराबर। दूसरा विधान है, हम चांद के शुरू है, बंद करो बेटा। हम चांद के भांजे हैं, तो क्या होगा? हमें चंदा मामा भांज थी। वेरी गुड। यहाँ पर मामा दिया गया है कि सिर्फ चंदा है? हम चांद के, हम यानी कि अमे। पची अमे चंद्रना, अमे चंद्रना भाणेज छीए, भाणेज छीए। उसके बाद का वाक्य, हाथियों के यहां पर जो है झुंड है, क्या है? झुंड। इस प्रकार लिखना है आपको, झुंड।
हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो शु आवशे? वेरी गुड। चलो गुजराती में अनुवाद लिखिए। हाथियों ना टोळामां કેટલાક તોફાની હાથી હતા। उसके बाद का विधान लिखिए। हाथी पानी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। तो अनुवाद क्या होगा? हाथी ने पानी बहुत प्यारु छे, गमे छे। हाथी ने पानी बहुत गमे छे। हाथी पानी ने खूब वहाल करे छे। चलो लिख लिए सभी वाक्य? हाँ मिस, लिख लिया। किसी को बाकी नहीं है ना? नहीं। ओके, तो हमारा आखिरी प्रश्न अब शुरू हो रहा है। प्रश्न 7 कौन सा है? उत्तर लिखिए। वेरी गुड। तो सूचना लिखिए। प्रश्न 7, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न। खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोश के बिल कहाँ थे? सरोवर के किनारे बिल जमीन के अंदर थे। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए। खरगोशों के बिल
खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली गीली जमीन के अंदर थे दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर लिख लिया ना सभी ने? प्रश्न दो, खरगोशों का सरदार क्या बोला खरगोशों का सरदार जवाब लिखिए। खरगोशों का सरदार, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ आ रही है। ओके, खरगोशों का सरदार बोला, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है, हम चांद के भांजे हैं, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है, वे आपसे नाराज है, डबल इनविटेड कोमा पूरा। प्रश्न दो का जवाब किसी को बाकी है बेटा के लिख लिया? दो मिनट। ओके बेटा, अभी लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके, प्रश्न तीन, पूर्णमासी का चांद कैसा है? मिस पूर्वा
पूर्ण मरुल उसका साथ गोल होता है। गोल, वेरी गुड। जवाब में लिखिए पूर्णमासी का, यह विकल्प में भी आ गया है ना? हाँ मैं आ गया है। पूर्णमासी का चांद चांद गोल है। गोल है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, तालाब में, तालाब में क्या दिखाई, क्या दिखाई दे रहा है, दे रहा है? जवाब, जवाब, तालाब में, तालाब में चांद, चांद दिखाई, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। वह, वह लहरों के साथ, लहरों के साथ साथ, दो बार साथ साथ लिखना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ चौथा बेटा, ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी है तुम्हें? हाँ थोड़ा। प्रश्न पांच, प्रश्न पांच, चंदा मामा से, चंदा मामा से माफी, माफी कौन मांग रहा है, कौन मांग रहा है? पांचवा जवाब लिखिए, हाथियों का सरदार, हाथियों का सरदार चंदा मामा से, चंदा मामा से माफी माफी मांग रहा है, मांग रहा है। क-
किसी को बाकी है कि लिख लिया सभी ने? दो मिनट, खेला शब्द बाकी है। लिखा गया। ओके, तो आज हम ऐसा करते हैं कि ये पांच प्रश्न के उत्तर यहाँ पर रखते हैं। आगे का प्रश्न हम शुरू करेंगे तो पूरे नहीं होंगे, इसके बाद के तास में हम आगे के प्रश्न लिखेंगे, बराबर? तो आज हमने मुहावरा क्या लिखे, हमने समानार्थी शब्द मैंने फिर से लिखवाए थे, फिर मुहावरा लिखे और प्रश्न के उत्तर। हाँ, होमवर्क में दो बार यह आपको करने हैं, बराबर? प्रश्न मुहावरे का अर्थ और समय लिखिए और इसके उत्तर में पांच। हाँ बेटा, यह लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है। प्रश्न मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। हाँ, प्रश्न सात में प्रश्न पांच हमने लिखे हैं, बराबर? प्रश्न के उत्तर वो भी आपको दो बार लिखने हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है मिस, बाय। मिस लेट कैंसिल।